हेलो स्टूडेंट्स, प्रेस्टी गुप्ता आप तो उनमें उठी बात आ जाओ। आज देखिए हम ऐसे सवाल लगाने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पूरी पूरी उम्मीद है कि पेपर में इस तरह का चीज पूछी आती है, एक अनुमान हमारा है, बाकी पेपर में क्या आता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये एक है, अगर चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम देते हैं कि इनमें से पेपर में कोई एक आ जाएगा तो उसमें से कोई ये एक क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम क्वेश्चन पढ़ते हैं रॉयल्टी अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 18। अब आपके फायदे में चीज ये है, आप किताब खोलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपको मिलेगा। मिस्टर यज्ञ प्रकाश इसका स्टार्टिंग है, मिस्टर यज्ञ प्रकाश हमने अलग किया लिखा भी हुआ है। इनके साथ अगर वो 18 पे नहीं मिलता तो उसको आप ढूंढ लीजिएगा, जो हमने वो रिक्रूटमेंट करी है वो आगे पीछे आपको इनके मिल जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्व में, क्या चीज़ है। चार पांच चीजें मैंने आपको कौन बताई हुई है। सबसे पहले ईयर मैंने लिखा हुआ है, प्रोडक्शन हमने लिखा हुआ है, रॉयल्टी का रेट है 1 रुपीज पर टन। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो रॉयल्टी हमारी सेम प्रोडक्शन के बराबर हो जाएगी। मिनिमम रेट आपका 20,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो हर साल आप 20,000 डाल दीजिए। इसके बाद हमने लगातार आपसे कहा कि ये दो कॉलम हमको और आपको हमेशा सॉल्व करने हैं। मैंने मीनिंग बताई हुई है, मिनिमम रेट ज्यादा है रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग, और रॉयल्टी ज्यादा है मिनिमम कम है तो सरप्लस। देखते हैं, मिनिमम 20,000 है, 6,000 है, शॉर्ट वर्किंग 14,000, मिनिमम 20,000 है, रॉयल्टी 15,000, शॉर्ट वर्किंग 5,000, मिनिमम 20,000 है, ये 30, अब देखिए ज्यादा है तो यहाँ पे सरप्लस 10,000। अभी भी देखिए यहाँ पे रॉयल्टी ज्यादा है, इनकम है तो सरप्लस 8,000। ये दो कॉलम हमारे हो गए शॉर्ट वर्किंग एंड सरप्लस। अब चलते हैं अपने आगे के, जितने भी मैंने वीडियो आपको देखे मैंने लगातार आपसे बोल रहे हैं कि आपको जो टाइम फैक्टर होता है उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि टाइम आपको दो तरह से मिलता है, बिफोर आपका फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट वी कैन डू क्यूब नेक्स्ट टू ईयर, हम पूरा नहीं लिखते हैं, उतना लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। शॉर्ट वी कैन डू क्यूब नेक्स्ट टू ईयर ये लिखा हुआ है। लेकिन एक कंडीशन आपको मैंने ये दी हुई है, आपको ये कंडीशन को आज समझना है कि ये कंडीशन क्या है। अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में आ गई तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है और ध्यान सीखिएगा। पहले जो इसमें लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इफ द फुल शॉर्ट वर्किंग कुड नॉट बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ द शॉर्ट वर्किंग, मिस्टर यज्ञ प्रकाश विल बी लूज राइट टू रिकवर 50% ऑफ द अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। याद करिए जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ, पांच चीजें मैंने आपको कही, ईयर, प्रोडक्शन, रेट ऑफ रॉयल्टी, मिनिमम रेंट और टाइम। उसके बाद दो कॉलम मैंने लगातार आपसे कह रहा हूँ ये आपको बनाने होते हैं शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस, यहां तक आप सीख गए। अब आपको मिलता है टाइम, लेकिन टाइम के साथ में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई तो फिर उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसमें ये कह रहा है कि अगर मिस्टर यज्ञ प्रकाश शॉर्ट वर्किंग होने वाले ईयर के नेक्स्ट ईयर के, लिखा है इफ फुल शॉर्ट वर्किंग कुड नॉट बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ द शॉर्ट वर्किंग, यानी कि जिस ईयर आपकी शॉर्ट वर्किंग होती है उसके नेक्स्ट ईयर अगर आप पूरी पूरी शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं कर पाते हैं तो आप फ्यूचर में 50% शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब नहीं कर पाएंगे। मतलब ये हुआ जिस ईयर आपकी शॉर्ट वर्किंग हुई है उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में अगर आपने पूरी पूरी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं करी तो आप 50% शॉर्ट वर्किंग फ्यूचर में कवर नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग है 14,000, इसका टाइम है ना नेक्स्ट टू ईयर, तो नेक्स्ट टू ईयर लिखिए 1 एंड 2। क्या शॉर्ट वर्किंग होने वाले के नेक्स्ट ईयर में सरप्लस है, नहीं है। अगर सरप्लस नहीं है
तो उसने क्या लिखा था, इफ फुल शॉर्ट वर्किंग कुड नॉट बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ द शॉर्ट वर्किंग, तो नेक्स्ट ईयर ऑफ द शॉर्ट वर्किंग यही हुआ, यही है नेक्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग। मिस्टर यश प्रकाश विल बी लूज राइट टू रिकवर 50% ऑफ द अनलिक्विड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अगर शॉर्ट वर्किंग होने वाले ईयर के नेक्स्ट ईयर में आपने पूरी पूरी शॉर्ट वर्किंग को कवर नहीं किया तो आप 50% शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसका 50% कितना हुआ 7000, ये आपका अनरिक्यूब है। मतलब ये चीज है कि अगर शॉर्ट वर्किंग जिस ईयर में हुई अगर आपके पास सरप्लस है तो कवर कर लीजिए, कवर करने में कोई कंडीशन नहीं लगेगी क्योंकि आपकी शॉर्ट वर्किंग कवर हो गई। लेकिन अगर सरप्लस नहीं है, भले ही टाइम क्यों ना हो, टाइम का प्लस 2 साल तक है, लेकिन उसने कहा है शॉर्ट वर्किंग होने वाली ईयर के नेक्स्ट ईयर में, बार बार आपसे कह देंगे अंडरलाइन किया इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ द शॉर्ट वर्किंग, इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका रिमेनिंग 7000 का बैलेंस बचा, 14000 था, 7000 में क्यूब कर लिया, अनक्यूब चला गया, अब बचा 7000। उतरते हैं, टाइम तो है 1-2, यहां पे आपने 7000 जो इसकी शॉर्ट वर्किंग थी वो रिक्यूब हो गई, फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग आपकी पूरी पूरी खत्म हो गई, 7000 नेक्स्ट ईयर आप रिक्यूब नहीं कर पाए थे इस अनक्यूब में, और बचा हुआ 7000 इसको कवर कर लिया क्योंकि यहां पे सरप्लस आपका कितना बचा था 10000। अब यहां पे कितना सरप्लस बचा 3000। अगर आपने 10,000 से 7,000 को कवर कर लिया है तो अब सरप्लस कितना बचा आपके पास 10,000। अब आता है इस शॉर्ट वर्किंग का नंबर, अब आप इस शॉर्ट को कवर करने का जाएंगे उसके लिए भी टाइम है आपके पास, नेक्स्ट ईयर 1 एंड 2 आप उसको कवर करने के बीच होते ही कितना सरप्लस आपके पास है 3,000 आपका सरप्लस हो गया। याद रखिए ये फर्स्ट ईयर का इक्विपमेंट है और ये फिफ्थ सेकेंड ईयर में 5000 था, उसमें 3000 आपने कवर कर लिया, सरप्लस खत्म। अभी भी कितनी आपके पास शॉर्ट वर्किंग ऐसी बची जो कवर नहीं हुई है 2000, भाई 5000 में आपने 3000 कवर कर लिया, अभी भी आपके पास 2000 की शॉर्ट वर्किंग बची हुई है। फिर वो कंडीशन लगेगी, ये कंडीशन केवल फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग के लिए नहीं है, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर हो, कि जब तक शॉर्ट वर्किंग आपकी होगी उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में आपको पूरा पूरा कवर करना है। अगर आप 5000 में 3 कवर कर चुके हैं तो अभी भी आपका 2000 रिकवर नहीं हुआ है तो 2000 का 50% आपका जाएगा शॉर्ट वर्किंग अनक्यूब। क्यों जाएगा, फिर मैं कह रहा हूं इफ द फुल शॉर्ट वर्किंग कुड नॉट बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ द शॉर्ट वर्किंग। अब इसके लिए ये नेक्स्ट ईयर था तो इसके लिए ये नेक्स्ट ईयर था, ठीक है, इन्होंने 5 में 3 को कवर कर लिए, 2 कवर इनके भी नहीं हो रहे, 2 कवर नहीं हो रहे हैं तो इनका 2000 में से 50% आपका अनरिक्यूब में चला जाएगा। अभी यहां पर बचा कितना 1000। चलते हैं आगे, क्या टाइम है, हां टाइम है 1 एंड 2, सरप्लस बहुत है, यहाँ कितना लॉस बचा 5000 में 3 आपने कवर कर लिया, 1 आपका अनरिक्यूब में गया, अभी आपके पास टाइम है, सरप्लस है, तो 1000 रुपये आप शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर लीजिए। अब यहाँ पे सरप्लस बचा कितना 7000। अगर यहाँ 7000 सरप्लस बच रहा है तो आप तो जानते हैं कि अगर शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के बाद भी सरप्लस बच जाता है तो हमको लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है विद मिनिमम रेंट। तो अगर पेमेंट की बारी करेंगे तो 20,000 फर्स्ट ईयर में, 20,000 सेकेंड ईयर में, 20,000 थर्ड ईयर में, और 20 ये प्लस बचा हुआ 7, यानी कितना 20,000 प्लस 7000, यहाँ पे आपका जो पेमेंट जाएगा वो 7000 का गया, तो कुल मिला के आपका पेमेंट हो गया 27,000। अगर बात करें यहाँ पर आपकी पूरे सवाल में कि क्या चीज ऐसी थी जो सवाल में सबसे अलग थी, वो था ये, जब भी आप सवाल करने जाएंगे आपको हम हर वो सवाल कराएंगे जो पेपर में
में आने वाला है। अब बिलीव मानिए कि अगर आपने मेरे रॉयल्टी के 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए तो श्योर अबाउट है इसमें से एक क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का पेपर में 100% मिलेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है। मैंने ऑलरेडी नंबर लिखा हुआ है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर जय प्रकाश उसमें लेसी है, आपकी किताब में लेसी उसमें नहीं मिलता है, मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ आप आगे पीछे ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। 5 ये आपको मालूम है कि वो इस पर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, मालूम है कि आपको 5 चीज़ों के बारे में हमको नहीं बताना है, लेकिन जब सवाल आपके सामने आएगा तो फिर ये थोड़ा नहीं कि 5 चीज़ें आएंगी वो सवाल में, अगर 15 मार्क्स का सवाल है तो इसमें कुछ तो कुछ ऐसे पॉइंट्स डाले जाएंगे जिससे कि सवाल थोड़ा टेक्निकल हो। अगर टेक्निकलिटी बात करते हैं तो उसमें एक पॉइंट ये आया, हो सकता है कि आज 50% है, अगर आपसे कह सकता है 40% इंक्लूड नहीं होगा। इस सवाल की सबसे खासियत ये है कि आपको टाइम के साथ में कंडीशन को पढ़ते हुए चलना। मैं फिर से 1 मिनट के लिए रिपीट कर दूँ, इस क्वेश्चन में ये शर्त है, ये कंडीशन है कि जिस ईयर शॉर्ट बुकिंग होती है अगर उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में वो पूरी शॉर्ट बुकिंग कवर नहीं कर पाता है तो 50% वो शॉर्ट बुकिंग को फ्यूचर में कवर नहीं कर पाएगा, 50% फ्यूचर में कवर नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ 14,000 है, सरप्लस नहीं है, तो इसका मतलब इसका 50% फ्यूचर में कवर नहीं होगा, इसलिए वो अनलिमिटेड में चला गया। बचा हुआ 7,000 यहाँ पे था क्योंकि नेक्स्ट ईयर में सरप्लस था, उसके बाद टाइम था तो पूरा कवर हो गया, कोई भी इसका हिस्सा अनलिमिटेड नहीं गया। अब यहाँ से बस 3 बचा, नेक्स्ट ईयर ये शॉर्ट बुकिंग आ गई। ये बात लगातार कह रहे हैं कि हर शॉर्ट बुकिंग में ये बात है कि जो भी शॉर्ट बुकिंग आपकी होगी उसकी इमीडिएट आपको नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर है तो उसके इमीडिएट फोर्थ ईयर होगा, फोर्थ ईयर उसके इमीडिएट फिफ्थ ईयर होगा, फिफ्थ ईयर उसके सिक्स, तो ये केवल फर्स्ट ईयर की रूल नहीं है, ये हर ईयर शॉर्ट बुकिंग होगी। हाँ, सेकेंड ईयर में आए लोग तो यहाँ पे 7,000 तो ये ले चुके थे, बचा 3,000 क्यों हो गया, अभी भी कितना ऐसा हिस्सा जो कवर नहीं हो रहा था 2,000। तो फिर वही शर्त, अगर फ्यूचर में कवर शॉर्ट बुकिंग फ्यूचर में कवर नहीं होती है तो 50% उसका हिस्सा कहाँ चला जाएगा, अनरिक्यूबमेंट जाएगा। तो 5,000 का मैं थी आपका कवर हो गया, 2,000 बचा था, 2,000 का 50% कितना हुआ, 1,000 आपका अनरिक्यूबमेंट गया, 1,000 आपका बचा। नेक्स्ट ईयर में आपका 1,000 का आपका शॉर्टिंग थी, 8,000 का सरप्लस था, 1,000 कवर हो गया, बचा हुआ सरप्लस आपको मिनिमम के साथ में लैंडलॉर्ड को वापस करना पड़ेगा। अगर हम एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मेरे ख्याल से सबको मालूम है कि इसमें एंट्रियाँ क्या होती हैं। अगर मैं एंट्री की बात करूँ 2015-16 की, तो उसकी एंट्री मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, जनरली आपको एंट्री मालूम है कि एंट्री क्या होती है। रॉयल्टी है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट बुकिंग है नहीं है तो टू लैंड लॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड। मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे लिख भी दूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए, इसको हम इरेज कर देते हैं, कोई चीज अब नहीं है। लास्ट ईयर की हम एंट्री आपको समझा दे रहे हैं, लास्ट ईयर की एंट्री आपकी क्या होगी, लास्ट ईयर आपका है 2015-16, एंट्री करते हैं रॉयल्टी है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट बुकिंग है नहीं है, लैंडलॉर्ड रॉयल्टी 28,000। दूसरी चीज पेमेंट की होती, मैंने बताई थी आपको कितनी बताई है, सिंपल एंट्री करनी है लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या रिक्यूब हो रही है शॉर्ट बुकिंग हो रही है तो टू शॉर्ट बुकिंग बताया गया है, तभी रिक्यूब होगी। हम खाता लिख देते हैं 1,000 यहाँ पे लैंड अमाउंट हो जाएगा, देखिए ऑटोमेटिक पेमेंट 27,000 आ गया और ये हो गया और आपकी एंट्री है आपकी पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी कितनी है 28,000 की है, 28,000 आप यहाँ पे जा दें, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ।